हेलो, मैं यहाँ पर फिर आ गई। कहाँ आ गई? गेस करो। मैं आ गई हूँ लाल किला के पास, चांदनी चौक। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। भारतीय स्टेट बैंक भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत एरिया स्पेशियस हो गया है जब से ये केजरीवाल साहब ने नया बनवा दिया है। यहाँ पर नो एंट्री कर दी है इसकी। बारिश शुरू हो गई बहुत तेज। मेरे यहाँ आते ही बारिश शुरू हो गई। सब छत के नीचे आ गए। मेरे को जाना था नई सड़क। अब मेरे एंटर होते ही बारिश शुरू हो गई। लेकिन चांदनी चौक तो बहुत सुंदर बना दिया है। काफी अच्छा ग्रीन ग्रीन और खुला है। यहाँ पर नो एंट्री है। कार और स्कूटर की सिर्फ रिक्शा से आप जा सकते हो। रिक्शा चलते हैं बस यहाँ पे। साले तुम दुनिया वाले में मेरे कैसे रहता, पता नहीं। यहाँ से जाऊंगी, रास्ते में जलेबी खाते हुए जाऊंगी। यहाँ पे जलेबी बहुत अच्छी मिलती है। ईटिंग आउटलेट्स वही हैं काफी फेमस वाले, आपको तो पता ही होगा। उनमें से एक जलेबी वाला है और एक है आपका दही भल्ले वाला और टिक्की वाला। बारिश होने से कीचड़ हो गया। अभी बारिश आएगी तो हीट भी है ना, वो काफी रोड से स्टीम बन के निकलती है। कल से बहुत गर्मी पड़ रही थी, मैं निकल नहीं रही थी बाहर। अभी मेरा थोड़ा सा इवनिंग में एक्चुअली होता क्या है कि मैं ना जैसे ही घर से निकलती हूँ ना तो मैं लोकल मार्केट नहीं जाती, कुछ ना कुछ मुझे लेना होता है। मैं इधर ही आ जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना खाने पीने की दुकानें बहुत अच्छी हैं। जैसे कि आपको अगर रबड़ी फलूदा भी खाना है तो यहीं से लेने आना पड़ता है। प्योर ही नहीं मिलता वहाँ हमारे एरिया में। मैं आगे जाकर लूँगी। और कुछ भी खाना हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, यानी कि नॉन वेज से लेकर चाट पकौड़ी सब यही मिलता है, तो मैं यही आ जाती हूँ। एक आपकी 35 रुपीस लगते हैं मेट्रो में और 40 मिनट्स लगते हैं अपना। एक बार यहाँ लैंड कर जाओ, उसके बाद अपना आराम से एक दो घंटे घूम के इवनिंग में घर वापस चले जाओ। जरूरी थोड़ी है कि सारे शॉपिंग करते रहना है। आगे जलेबी वाले भाई, मैं तो ना 90 रुपीस वाली जलेबी खाती हूँ जिसमें रबड़ी देते हैं साथ में, मेरे को तो वो पसंद है। और मैं ये स्नैक्स जो होते हैं ना समोसे, ये पैक करा के ले जाती हूँ, बाद में घर जाके खाती हूँ। आज समोसे नहीं बन रहे। समोसे हैं? अच्छा, मैंने बताया नहीं कभी आपको। आलू समोसा, मटर समोसा, चलो अभी यहाँ से जलेबी लेकर के ना फिर हम जाएंगे नई सड़क। तो मैं दोबारा से आपको